क्या आपकी त्वचा पे भी बहुत सारे दाग धब्बे हैं? क्या आपकी त्वचा भी बहुत ज्यादा पिंपल्स या झुर्रियां या यूं कह लीजिए कि एक तरह की नहीं है, कहीं से सफेद है कहीं से काली है? तो इसके लिए हम आपके लिए एक नुस्खा लेके आए हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक नींबू। नींबू को आपको इस तरह से कट कर लेना है और इसका आपको रस निकाल लेना है। इसका रस आप डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, अगर आप डायरेक्ट इसका रस निकालेंगे तो इसके बीज जो है वो आएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस तरह से एक छन्नी लेनी है और इस तरह से एक चम्मच लेना है और उसमें इसमें नींबू के रस को इस तरह से निकाल लेना है। इस नुस्खे के लिए हमें सिर्फ एक चम्मच नींबू के रस की ज़रूरत है, तो हम उतना ही निकालेंगे और उतना ही छन्नी में छानेंगे ताकि ज़्यादा नींबू का रस वेस्ट ना हो और हमें जितना चाहिए उतना ही हम लें। नींबू में विटामिन सी होता है जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और नॉर्मल स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है, तो इसको हर स्किन टाइप वाले भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने एक चम्मच नींबू लिया है, अब इसको इस तरह से छन्नी में छान देंगे। इसको जब छान देंगे तो इतना हमारा नींबू का रस बच रहा है। इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे ताकि जो नींबू का रस है वो भी निकल जाए। ये रहा हमारा एक चम्मच नींबू का रस। अब इस रेसिपी के लिए जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के फ़ायदों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ग्लिसरीन जो है सालों साल से स्किन के लिए यूज़ होती आई है, जिस तरह से हल्दी जो है वो हमेशा से हमारे स्किन के लिए यूज़ होती है, उसी तरह से ग्लिसरीन भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही टाइम से यूज़ होती है। ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ये एक नहीं बल्कि कई फ़ायदों के लिए है। इसको आप एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ फेशियल भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर को हमें यहाँ एक चम्मच लेना है। तीनों इंग्रेडिएंट जो है वो समान मात्रा में लेना है, यानी एक चम्मच नींबू, एक चम्मच ग्लिसरीन और एक चम्मच ही गुलाब जल, इस तरह से। और इसको जो है आपको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो ग्लिसरीन है जिस तरह से शहद होता है कि बहुत ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है, गाढ़ी होती है, उसी तरह से ग्लिसरीन की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है, गाढ़ी होती है। और जो नींबू है और वो पतला होता है और गुलाब जल है वो भी पानी की तरह पतला होता है। तो इसको मिक्स करने के लिए अच्छे से आपको इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। इसको आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इस मिश्रण को आप सिंपली अपने चेहरे पर अप्लाई करके एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे स्क्रब की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो इसे आप स्क्रब की तरह इस तरह से लेके और इस तरह से स्क्रब की तरह आपको इसे अपने चेहरे पे और गर्दन पे मलना है और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लेना है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है क्योंकि ग्लिसरीन और गुलाब जल इसमें है। इसको मालिश करने पर बहुत ही स्मूथ फील हो रहा है और इसके साथ ही आप इसे फेशियल जो मेकअप सेटिंग स्प्रे के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसको स्प्रे वाली बॉटल में भरना है और इसको यूज़ करना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।